नहीं बस खाओ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जो है वो ग्वालियर की हिडन प्लेस में जा रहे हैं और उसका नाम जो है वो कानीधा वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल है जो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छी जगह है पिकनिक स्पॉट के लिए, तो काफ़ी बहुत खूबसूरत जगह है। तो चलिए हम उसी जगह पर चलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वो जो मैं रास्ते से जा रहा था वो रास्ता बंद हो चुका है। अब मुझे 2 किलोमीटर से दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा और काफ़ी घना जंगल बताया जा रहा है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने आपको ये जो जगह दिख रही है, हम इसी रास्ते से अंदर की तरफ जाएंगे और पूरा जो है वो जंगल आपको इस जगह पे दिखाई दे जाएगा। तो प्लीज़ आप जो आइएगा तो कम से कम 2 या 3 लोग ज़रूर आइएगा। ये पूरा जो है वो जंगल एरिया है और हम जो है इसी के अंदर जा रहे हैं। तो गाइस, मेरे सामने आप जो जगह देख सकते हैं, इसी रास्ते से हमको नीचे की तरफ चलना है और भी बस यहीं पर हम आ चुके हैं। बगल में ही कानीधा है नीचे की तरफ, और ये जो आप देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल है। पूरा जहां तक आप देखोगे वहां आपको जंगल ही जंगल मिलेगा। ये रास्ता पूरा जंगल की तरफ ही जाता है, तो ये अभी आप देख सकिए। तो प्लीज़ आप लोग आइएगा तो कम से कम 2 या 4 लोग ज़रूर आइएगा इस जगह पर। तो चलिए आगे की तरफ। तो गाइस, सामने की तरफ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है निकलकर, और मेरे सामने पहाड़ी पहाड़ है पूरा, और ये जो है ये जंगल की तरफ अंदर है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हिडन प्लेस। तो गाइस, आप सामने देख सकते हैं हम इसी जगह पर पहुंच चुके हैं कारीधा की तरफ, और ये जो अपनी है ये बाइक स्टैंड है, और यहीं पर आपको बाइक वगैरह लगानी पड़ेगी। और यहां से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जंगल है और काफ़ी घना जंगल है। आपको ये सामने मंदिर भी पड़ेगा, ये आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो गाइस, फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद इस जगह पर हम पहुंच चुके हैं। ये है कारीधा वाटरफॉल और काफ़ी खूबसूरत और हिडन प्लेस है ग्वालियर के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये है वो जगह मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। इसको हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, एक एक चीज़ इस जगह के बारे में देखेंगे, और काफ़ी घने जंगल रास्ते से गुजरना पड़ता है इस जगह पर पहुँचने के लिए। तो चलिए ये जगह हम एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी इन्जॉयमेंट है और पिकनिक स्पॉट के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, और आप मेरे पीछे इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है। और तो गाइस, आप ये जगह को अच्छी तरीके से देख लीजिए, और यही है कानीधा वाटरफॉल की तरफ पानी काफ़ी खूबसूरत तरीके से गिरता हुआ, और यहाँ पर जो है ये बड़ा सा कुंड बना है, काफ़ी गहरा है। इस जगह पर नहाने के लिए मना है, और यहाँ पर जो नहाते हैं ये उस तरफ से नहाते हैं लोग बाग। ये आप जगह देख सकते हैं, हम उस जगह पर भी जाएंगे और आपको पूरी अच्छे से एक्सप्लोर करा देंगे ये जगह को। और तो गाइस, पिकनिक स्पॉट भी ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये घूमने के लिए। ये डबका गांव के बंदे जो हैं वो इकट्ठे अब कूदने वाले हैं इस जगह पर।
सामने जो ये लड़के दिखाई दे रहे हैं ये है नवका के मोनू गुर्जर और राहुल बघेल। अब ये जो है इस अपने रिस्क पे इस जगह पर जो है वो छलांग लगाएंगे और कृपया आप लोग ना ऐसा करें। और ये देखिए अब ये लगाने वाले हैं इस जगह पर छलांग और काफ़ी गहरा है ये करते हैं। यहाँ पर जो है इस जगह पर नीचे मंदिर भी बताया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो मंदिर है इसी के नीचे जो कि पानी से आपको उस जगह पे ले चल रहा हूँ। यहाँ पर खाना बन रहा था, चलिए देखते हैं क्या बन रहा है क्या हो रहा है उस जगह पर चलकर। तो गाइस सामने जो हमें दिख रहे हैं बंदे वो डबका के हैं और यहीं पर पास में गांव पड़ता है और यहीं पर खाना बनाते हैं और यहीं पर एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। भाई क्या क्या बन गया खाने में? अच्छा नहीं बस खाओ। तो ये देखिए आप खाना बन रहा है सामने, रोटी बन रही है अपनी और लोग बाग लगे हैं खाने के लिए। मस्त खाओ ये खाने पीने में क्या टेंशन खाओ। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।